हैशटैग मीटू, ये एक ऐसा शब्द है जिसने बॉलीवुड से लेके कॉलीवुड, यहाँ तक कि संगीत के महान गुरुओं को भी अपने चपेटे पे ले लिया है। जब वो लड़की होश में आती है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ दुष्कर्म हुआ है। यानी लड़की की माँ बात कर रही है ये कहते हुए कि जो मेरी बेटी है वो वॉमिट कर रही है, प्रेग्नेंट है, जो आपने मेरी बेटी के साथ किया है हम सब भूल जाएंगे, कृपया करके आप इतनी मदद कर दें कि उसका अबॉर्शन हो जाए। नमस्कार, तरुष न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हैशटैग मीटू, ये एक ऐसा शब्द है जिसने बॉलीवुड से लेके कॉलीवुड, यहाँ तक कि संगीत के महान गुरुओं को भी अपने चपेटे पे ले लिया है। इसमें एक नया नाम जुड़ता है, चेन्नई से एक मिनिस्टर हैं जो कि फिशरी मिनिस्टर हैं एडीएमके के, इनका नाम है डी जयकुमार। टीटीवी तिनाकरन का खेमा, यानी जो शशिकला और टीटीवी तिनाकरन का खेमा है, इन्होंने दो ऑडियोज लीक करे हैं, जिसमें पहला ऑडियो एक माँ और जयकुमार जी का बताया जाता है। जयकुमार जी से उनकी माँ यानी लड़की की माँ बात कर रही हैं ये कहते हुए कि जो मेरी बेटी है वो वॉमिट कर रही है, प्रेग्नेंट है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें, हम अस्पताल गए थे कि हम उसको अबॉर्ट करा दें, अस्पताल वालों ने साफ मना कर दिया है कि हम अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं, हमें आपकी मदद चाहिए, आपसे और कुछ हमें नहीं चाहिए, जो आपने मेरी बेटी के साथ किया है हम सब भूल जाएंगे, कृपया करके आप इतनी मदद कर दें कि उसका अबॉर्शन हो जाए। वैसे ही लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी, अब तो पता नहीं कौन उससे शादी करेगा अगर ये मसला बाहर निकल गया। पहले ऑडियो में जयकुमार जी ये वायदा करते हैं उसकी लड़की की माँ से कि आप घर आ जाइए, घर पे बैठ के हम बात कर लेते हैं, किस तरह से करना है ये हम देख लेते हैं, मैं अस्पताल वालों से बात कर लूँगा और सब हम ठीक कर लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इस ऑडियो के बाद एक और ऑडियो रिलीज होता है जिसमें ये कहा जाता है कि लड़की ने डिलीवरी कर ली है, माँ अब ये चाहती है कि उनकी मदद करी जाए, उस लड़की का क्या होगा ये समझाया जाए, और जयकुमार जी उनको बार बार यही समझा रहे हैं कि आप मुझे सड़क के इस पर्टिकुलर जगह पे मिले जहाँ पे मैं आपसे मिलता हूँ और हम आपसे बात करते हैं। और वो जो माँ है, उस लड़की की माँ है, वो बार बार ये कह रही है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी हो गई है, मैं अपने भाई और एक और रिश्तेदार को लेके ही आ पाऊँगी, मैं अकेले नहीं आ पाऊँगी। जयकुमार उस तमाम चीज़ों को इनकार करते हुए उनको ये कहते हैं कि आप अकेले आएँ, आपके और मेरे बीच में बात होगी, आपके, मेरे और आपकी बेटी के, इसके आगे हमें जो करना होगा हम वो कर लेंगे। खैर, ये उस दो ऑडियो में जो कही गई बातें हैं ये वो हैं, लेकिन हकीकत में आखिर मसला है क्या? तो रूस्टर न्यूज़ की टीम ने इसके अंदर जाके पड़ताल करी। ये एक अंधविश्वास का मामला और एक भरोसा तोड़ने का मामला भी बन सकता है। ये जो लड़की हैं, इन्होंने बीबीए किया है, इनकी उम्र 22 साल बताई जाती है, इनकी शादी नहीं हो पा रही थी, जहाँ पर भी इनका रिश्ता होता था वहाँ से रिश्ता किसी न किसी कारणवश टूट जाता था। इस मसले में एक तांत्रिक के संपर्क में ये परिवार आता है, तांत्रिक इनको ये कहता है कि आपको फलाना फलाना पूजाएँ करानी पड़ेंगी, जब ये पूजा अर्चना हो जाएगी तो आपकी बेटी की शादी फौरन हो जाएगी। इसका पूरा खर्च जो है वो 1.5 लाख रुपये आता है। 1.5 लाख रुपए उस तांत्रिक को दे दिए जाते हैं, तांत्रिक पूजा भी करा देता है, लेकिन उसके बावजूद लड़की की शादी नहीं हो पाती है। जब ये परिवार दोबारा तांत्रिक से संपर्क साधता है और ये कहता है कि लड़की की शादी भी नहीं हुई है, आपने हमारे पैसे भी ले लिए हैं तो पैसे लौटा दिए जाएँ, तांत्रिक अब अपनी अकड़ दिखाने लगता है, वो ये कहता है जो पूजा होनी थी वो हो गई है, मैं आपके पैसे वापस नहीं करने वाला हूँ, आपसे जो बन पड़े आप वो कर सकते हैं। उसी इलाके में जो ये लोग रहते थे वहीं के एमएलए हैं डी जयकुमार, जो कि मिनिस्टर हैं, फिनिस्ट्री मिनिस्टर हैं, वहाँ के इलाके के लोगों तक ये जब बात पहुँची तब उन लोगों ने ये सलाह दी कि आप एमएलए साहब से जाके बात करें, मिनिस्टर साहब के पास जाके बात करें, वो आपकी ज़रूर कोई ना कोई मदद करेंगे। माँ और बेटी ये दोनों डी जयकुमार जो मिनिस्टर हैं उनके घर पहुंचते हैं अपनी परेशानी लेके, वो ये कहते हैं हमारे साथ ये हुआ है, आप कृपया हमारे पैसे वापस कर दें। जयकुमार भी उनको ये वायदा करके लौटा देते हैं घर कि जल्द से जल्द मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। और इसके बाद जयकुमार ने उस लड़की का फ़ोन नंबर भी ले लिया। कुछ समय बाद यानी कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक जयकुमार का फ़ोन उस लड़की के पास जाता है और वो ये कहते हैं कि तुम जो है मेरे दफ्तर आ जाओ,
और डीजीपी जो पुलिस के हैं वो यहाँ आए हुए हैं, हम आपके मसले को अभी फौरन निपटा देंगे। लड़की का ये कहना होता है कि मेरी माँ घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं किसके साथ आऊँ। तो जय कुमार जी ये कहते हैं कि आप आ जाओ, कोई परेशानी नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, पुलिस वाले हैं, आपका मसला हल हो जाएगा। इसके भरोसे के बाद लड़की उनके वहाँ जाती है। जब ऑफिस जाके पहुँचती है तो देखती है जय कुमार अकेले हैं पूरे दफ्तर में, और कोई भी उस दफ्तर में नहीं है। इनके हाथ में दो ग्लासेस होते हैं जूस के, एक ग्लास जूस का इस लड़की को ऑफ़र किया जाता है और एक वो खुद पीते हैं। उसके बाद लड़की को कुछ नहीं पता। जब वो लड़की होश में आती है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ दुष्कर्म हुआ है। वो ये व्यथा अपनी माँ को बताती हैं। जब घर परिवार वाले जय कुमार से जाके मिलते हैं तो जय कुमार जी ये कहते हैं कि मैं अपनी पारिवारिक रिश्ते में खुश नहीं हूँ और मैं आपकी बेटी से ज़रूर से शादी करूँगा। इसके चलते जो भरोसा जय कुमार ने दिया उसके चलते लड़की का आना जाना ज़्यादा बढ़ा और लड़की को जय कुमार अलग अलग जगहों पे मिलते रहे। जब मिलने के दौरान लड़की को कुछ दवाएं भी देते रहे कि वो प्रेग्नेंट ना हो। कुछ समय बाद लड़की ने जय कुमार की इस बात को छुपा दिया कि वो दवा खा रही हैं। जय कुमार को ये पता ही नहीं था कि लड़की दवा नहीं खा रही है और अगले ही कुछ दिनों में लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद की ही ये दोनों ऑडियोज़ हैं। जय कुमार लड़की को अबॉर्ट करने के लिए 1,00,000 रुपये पैसे देते हैं कि आप जाके अबॉर्शन करा लें। लड़की वालों ने 80,000 रुपये खर्च करके 20,000 रुपये जाके लौटाए जय कुमार को और ये कहा कि हमने अबॉर्शन करा लिया है। हकीकत ये थी कि अबॉर्शन नहीं हुआ था। उसका कारण ये था कि जब ये लड़की वाले अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर्स ने ये साफ कह दिया था कि लड़की का अगर अब अबॉर्शन होता है तो उसकी जान भी जा सकती है। लड़की की जान बचाने के लिए इन लोगों ने जय कुमार को झूठ बोला कि लड़की का अबॉर्शन हो गया है, क्योंकि जो जय कुमार है वो बहुत ताकतवर नेता है और लड़की की जान को भी खतरा हो सकता था। खैर, जब बच्चा हो गया अगस्त के महीने में, तब भी इन लोगों ने जय कुमार से जाके संपर्क किया कि ऐसे ऐसे हो गया है, आप इस बच्चे और इस लड़की के लिए कुछ ना कुछ करें ताकि ये अपने जीवन को ठीक से चला सकें। जय कुमार ने दोबारा से झूठे वायदे करने शुरू करे और एक पल ऐसा आया जब जय कुमार ने इस चीज से ही इनकार कर दिया कि ये बच्चा उन्हीं का है। तब जो TTV का खेमा था, जो TTV दिनाकरन है, उनके संपर्क में ये परिवार आता है और उसके बाद ये दोनों ही ऑडियोज़ रिलीज़ कर दिए जाते हैं। जब द रूस्टर न्यूज़ की टीम इस परिवार को संपर्क करने की कोशिश कर रही थी तो ये समझ में आया है वो परिवार अब वहाँ नहीं रहता है। परिवार कहाँ है ये किसी को नहीं पता। और यही वो चीज़ जब डी जय कुमार जी से हमने संपर्क करने की कोशिश करी तो वो भी हमारे सवालों को का उत्तर देने के लिए लाइन पर नहीं आए। मसला बहुत तूल पकड़ चुका है तमिलनाडु के अंदर। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी भी हैं जो इनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं और एक खेमा ऐसा खड़ा हुआ है जो उस लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, जो उसका हक है वो उसको मिलना ही चाहिए। मीटू की कहानियाँ ये हैं जो हकीकत में मीटू हैं। ऐसी कहानियों को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, सच्चाई से पहुँचाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ द रूस्टर न्यूज़, जो आपको वो तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद। If you're serious about reaching a high quality audience, sponsor or advertise with us. Contact for further details on 8939-511-887 or write to us at info.theroosternews@gmail.com.